ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल में बहुत स्वागत है। आखिरकार आपका भाग्योदय कब होगा, किस उम्र में होगा, किस की वजह से होगा और क्या करना चाहिए? बहुत से लोगों का आमतौर पर धारणा ये होता है भाग्योदय को लेकर कि वो एक समय के ओहरे पर भाग्योदय को देखते हैं कि 7 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, हर एक 10 साल बाद एक मोमेंट परिवर्तन होता है और भाग्य परिवर्तन हमारा होता है। बहुत से लोग ऐसा भी मानते हैं कि भाग्योदय के पीछे आपके जो उपाय हैं, जो तरीके हैं, जो आपने किए हैं, उससे आपके भाग्य में उदय होता है। कई सारे लोग ऐसा मानते हैं कि भाग्योदय जो है वो एक समय अवधि पर ही होता है, जब सही समय है तभी हमारा होगा। तो आपका कोई सा भी प्रश्न हो अपने भाग्योदय से जुड़ा हुआ, वो आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। दरअसल भाग्योदय एक पूरा प्रोसेस है, एक पूरा साइंस है और एक पूरा दिशा निर्देश है, जिस पर अगर आप चलेंगे आपका भाग्योदय ज़रूर ज़रूर और ज़रूर आपका होगा। भाग्योदय पर हम अगर यह चर्चा कर रहे हैं तो कहीं भी आप ये बात ना समझें कि हम मेहनत को दोयम दर्जा कर रहे हैं। मेहनत का भी वही स्थान है जो भाग्य का स्थान है, लेकिन मेहनत हम बहुत करने के बाद भी हमारा भाग्योदय नहीं होता है, तब ये प्रश्न बहुत ज़्यादा हमें खलता है। तो कुछ तरीके बताऊँ मैं, कुछ बातें बताऊँ और कब क्या होगा, इन सभी चीज़ों पर हम चर्चा करें। एक निवेदन करना चाहता हूँ कि वीडियो को पूरा देखना, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। कमेंट्स में भोलेनाथ का कोई एक नाम लिखो, हर हर महादेव लिख दो, जय शिव शंभो लिख दो, जो आपका मन हो आप लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो कहीं भी कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप अपनी कुंडली का एनालिसिस हमसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं, उसका फीस लागू है। नंबर वन पर आता है कि जब भी किसी व्यक्ति का भाग्योदय होता है या भाग्योदय होने के संकेत उसे मिलते हैं तो उसके सपने में शिव मंदिर के दर्शन होना, पुरातन किसी मंदिर के दर्शन होना या ऐसी ईश्वरी मूर्तियों का दर्शन होना जो उसने कभी देखी नहीं हो, ये सबसे बड़ा संकेत है किसी भी व्यक्ति का भाग्योदय होने के लिए। दूसरा वो संकेत होता है कई बार किसी स्त्री की वजह से, क्योंकि भाग्य लक्ष्मी स्त्रियाँ होती हैं तो उनकी वजह से इसमें स्त्रियों का भी कई बार भाग्योदय हो जाता है, कई बार पुरुषों का भी हो जाता है। अधिकतर लोगों के साथ ये देखा होगा, विवाह के बाद उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया हुआ है, दोनों के जीवन में आता है, पत्नी के भी पति के भी आ जाता है। तो भाग्य लक्ष्मी जो होती है स्त्री होती है, तो स्त्री के आने से भी भाग्य में बहुत बड़ा बदलाव होता है। तीसरा है कि मान लीजिए बहुत सारे लोगों का भाग्योदय, जो लोग सकारात्मक एटीट्यूड के साथ होते हैं, जो चीज़ों को सकारात्मक सोचते हैं, जो अपने गुरु मंत्र का प्रॉपर जप करते हैं, उनका भी भाग्योदय बहुत जल्दी होता है। इसलिए मैं कहता हूँ अपनी मेहनत करते रहें, अपने गुरु मंत्र का जाप करते रहें। ओम नमः शिवाय।